धार की बोधशाला में हाईकोर्ट के आदेश पर सर्विस 14वें दिन भी जारी है। 14वें दिन एएसआई की 19 सदस्यीय टीम 31 मजदूरों के साथ सर्वे के लिए पहुंची है। इस दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर बोधशाला पहुंची। यहां वो सर्वे टीम से सर्वे को लेकर चर्चा करी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बोधशाला में 14 दिन से सर्वे चल रहा है, आज 14वां दिन है। जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, यहां पर जो अग्निहोत्री जी पहुंची हैं, तो क्या कोई कंफ्यूजन है एएसआई के सर्वे को लेकर, इस वजह से याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर पहुंचना पड़ा है बोधशाला में? देखिए मनु, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीते 13 दिनों से एएसआई का सर्वे जारी है, 14वां दिन है, लिहाजा कई प्रकार की अफवाहें उड़ रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे सर्वे को रोकने के लिए कमाल मोला वेलफेयर सोसाइटी के लोग। हाँ। और वहां से उन्हें डिफीट मिला सर्वे रोकने से इनकार करते हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि खुदाई तो की जाए लेकिन फिजिकल खुदाई के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि धार्मिक इमारत जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचे। साथ ही एक अखबार में खबर भी छपी जिसके बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि खुदाई को रोक दिया गया। हालांकि कल उत्खनन जारी रहा। अग्निहोत्री जी आज अंदर पहुंची थी, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अभी बोधशाला के अंदर पहुंचे थे, वो यहाँ पर मौजूद है और अभी उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि वो लोग अंदर आज गए भी थे, टीम के साथ में अंदर पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ है अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। मैडम आप एक बात बताइए, आप बोधशाला के अंदर पहुंचे थे, आपने अपने दस्तावेज के साथ आप अंदर गए, क्या कुछ अंदर हुआ, क्या आपने देखा? कमल आप बता दीजिए, क्योंकि रंजना अग्निहोत्री जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो उन्होंने अब तक क्या कहा है वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहुंच नहीं पाई थी, क्या पाई थी ठीक है कमल, आप ये व्यवस्था कर लीजिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि 14वें दिन का सर्वे चल रहा है और 19 सदस्यीय टीम इस वक्त एएसआई की सर्वे कर रही है बोधशाला के अंदर। 31 मजदूरों के साथ एएसआई की टीम पहुंची हुई है और यहां पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी हुई है। कमल सोलंकी, देखिए रंजना जी बताइए, आप अंदर पहुंचे थे, क्या कुछ आपने देखा? और अंदर चिन्हित किए हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेंचेस बनाने हैं और परिसर के बाहर का जो एरिया है उसमें उन्होंने 13 ट्रेंचेस डिमार्केट किए हैं, जिसमें 3 ट्रेंचेस पे लगातार एक्सकेवेशन का कार्य चल रहा है और वहां से जो भी आर्टिफैक्ट है, जो भी वस्तु मिल रही है उनको वो एक पैकेट में बना करके सुरक्षित और संरक्षित रूप से मारखाने में रख रहे हैं। मैडम आपने बताया कि 3 जगह एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, जो ट्रेंचेस बनाए गए, जो डिगिंग जहाँ पर हो रही है, कितनी गहराई उनकी हो चुकी है? मुझे मत दिखाओ, नहीं अंदाजे से बताना तो ठीक नहीं होगा लेकिन काफी कुछ मुझे लगता है 2-3 फीट, 4 फीट, 6 फीट हो चुकी। तो देखिए मनु, ये स्पष्ट रूप से कह रहे कि डिगिंग का काम चल रहा है, उत्खनन चल रहा है बोधशाला के अंदर और 3 से 4 ऐसे स्पॉट बनाए गए जहां पर गहराई भी हो चुकी है। तो बोधशाला के अंदर टीम लगातार सर्वे कर रही है, लगातार काम किया जा रहा है, उत्खनन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार यहाँ पर एएसआई की टीम अपना काम कर रही है। मनु ठीक है कमल, तो यानी कि रंजना अग्निहोत्री जी उस कंफ्यूजन को दूर करने वहां पहुंची है। जो अभी बता रहे कि एक समाचार पत्र में छपा था कि खुदाई नहीं की जा सकती, लेकिन आदेश में बिल्कुल क्लियर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि खुदाई बिल्कुल की जा सकती है, सिर्फ ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने मनु, ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच रहा है और बदस्तूर खुदाई कल से जारी है।
जो एएसआई के कर्मचारी हैं वो महीन उपकरण जो उनके पास में जो महीन हथियार है उनके माध्यम से खुदाई कर रहे हैं और धार्मिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब रंगना जी से ही एक बार और ठीक है कमल माफ कीजिए क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए आप अभी हम आगे जुड़ेंगे तो उनसे फिर से बातचीत कर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कमल। तो लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।